जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का अपने चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको संख्या पद्धति से संबंधित बहुत से बहुत महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हल करवाऊंगा। तो आज का पहला प्रश्न देखें, 1 से 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या है। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। तो 1 और 13 दो परिमेय संख्या है, तो इनके मध्य अनंत परिमेय संख्या होंगी। अगला प्रश्न देखें, संख्या 53,68,795 में दोनों 5 के स्थानीय मान के अंतर का दुगना। तो सबसे पहले हमें दोनों 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो हम 5 लिखेंगे, राइट हैंड साइड पर जितने अंक उतने जीरो रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 जीरो रख देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद सेकंड 5 है, तो उसका हमने 5 लिया, उसका स्थानीय मान 5 ही प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है, स्थानीय मान का अंतर करना है, तो इसे हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने पर कितना प्राप्त होगा, हमने घटाया तो हमें मान प्राप्त हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहा है, स्थानीय मान के अंतर का दुगना, दुगना करने के लिए कह रहा है, तो हम 2 का गुणज करेंगे, गुणा कर देंगे, तो यहां पर आएगा 2 5 10, 2 9 18 19, 2 9 18 19, 2 9 18 19, 19 19, 2 4 8 9। तो दोनों का स्थानीय मान निकाला, सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों 5 का स्थानीय मान निकालना है, फिर इसका अंतर करना है, और जो अंतर प्राप्त उसका कर देना दुगना। तो हमें दुगना करने पर कितने जीरो प्राप्त हुए, 3 3 2 6, अब देखिए सॉरी कितने 9 प्राप्त हुए, 6, तो 6 9 कहां पर है, 3 3 2 6, और अंत में 1 0, अंत में 1 0, तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, हिंदू अरेबिक के संख्यांकन पद्धति में द्वि अंकीय व चार अंकीय संख्याओं की संख्या का जोड़ कितना है। हिंदू अरेबिक पद्धति, देवनागरी पद्धति और रोमन पद्धति, इन तीनों पद्धतियों को मैंने बाकायदा समझाया है, तो आप इन मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और संख्या पद्धति के सभी चैप्टर को पहले देखें और उनको समझें और इसके बाद में सवालों को हल करें, तो आपको सवालों को हल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो कह रहा है दो अंकीय, तो दो अंकीय संख्या क्या कह रहा है, हिंदू अरेबिक संख्यांकन पद्धति में दो अंकीय व चार अंकीय, तो सबसे पहले हमें दो अंक की देखना हो, चार अंक की संख्या, तो ये दो अंक की संख्या है, ये दो चार अंक की संख्या, बिल्कुल ये 3 अंक है, इसमें 4 अंक है, तो ये गलत है इसका, इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक है, तो ये भी गलत है, इसमें 2 अंक है और इसमें 3 अंक है, तो ये भी क्या है, गलत है। 2 अंक और 4 अंक की मात्र एक ही संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें 2 अंक नहीं है, 3 अंक है, तो ये गलत हो गया। इसमें 3 अंक है, 3 अंक की तो संख्या नहीं प्रश्न पूछ रहा, इसमें 2 और 3 अंक है, तो तीनों क्या हो गए, रॉन्ग, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजे से दिए गए अंकों 6 2 7 4 व 3 से एक सबसे बड़ी संख्या बनाना चाहता है, किंतु प्रश्न की शर्त पर उसे प्रत्येक विषम संख्या को 2 बार तथा प्रत्येक सम संख्या को 1 बार प्रयुक्त करना है, सही संख्या क्या होगी। तो इन अंकों से, कौन से अंकों से, 6 2 7 4 3, इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाना है, लेकिन शर्त क्या है, जो विषम अंक होंगे वह 2 बार प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7, 7 कैसा अंक है, विषम अंक, तो इसे कितने बार लिखेंगे, 2 बार। इसके बाद क्या लिखेंगे, अब इसके बाद कौन सी छोटी संख्या है, 6, तो 6 लिखेंगे 1 बार, क्योंकि ये 6 एक सम संख्या है और इसे कितने बार लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, 1 बार। फिर इसके बाद क्या है, 6 से छोटी 4, तो 4 भी कितने बार लिखेंगे, 1 बार। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 4 एक कैसी सम संख्या है, कैसी संख्या है, सम। इसके 4 के बाद कौन छोटी संख्या है, 3, 3 कैसी संख्या है, विषम, इसलिए इसे कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। अंत में क्या आएगा, 2, तो सही आंसर होगा 77 64 33 2, कौन सा है, ए वाला अंत का, तो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है
6,45,321 में पांच के स्थानीय मान व अंकित मान में क्या अंतर होगा। तो स्थानीय मान क्या है और अंकित मान क्या है इसको मैंने विधिवत विस्तार पूर्वक समझाया है, तो इसकी भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे अच्छी तरह से जाकर समझें और फिर इस प्रश्नों को हल करें। तो पांच के स्थानीय मान लिखेंगे, तो मैंने आपको अभी बताया था किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए उस अंक को लिखें और उसके साथ राइट हैंड साइड पर जितने अंक हैं तो उन उतने जीरो रखें। तो कितने अंक थे, तीन अंक थे हमने, तो कितने जीरो रख दिए, तीन जीरो रख दिए। अब स्थानीय मान तो कंप्लीट हो गया, अब अंकित मान है, अंकित मान कोई भी संख्या हो, वह जो संख्या होती है उसका वही मान उसका अंकित मान कहलाता है। जैसे पांच का अंकित मान पांच होगा, दो का अंकित मान दो होगा, एक का अंकित मान एक होगा, तो हम इसे घटा देंगे तो घटाने पर हमें प्राप्त होगा 4,995। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4,995 जो इसका दिया गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन 0.0159 में एक का स्थानीय मान है, तो जानने हैं संख्या दशमलव के बाद होती है तो दशांश जैसी संख्या दी गई है तो ये संख्या कहलाती दशांश अर्थात है 1/10, ये शतांश 1/100, ये हजारांश 1/1000 और इसके बाद अगली क्रम में आएगी तो 1/10,000। तो अपन को क्वेश्चन क्या का स्थानीय मान देखना है इस संख्या का, तो ये संख्या कौन है शतांश अर्थात 1/100, यदि दशांश इसका देखते तो 1/10, इसका 1/100, तो 1/100 कौन सा है ये वाली, तो इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यदि आपके सभी प्रश्न अच्छे लगे हो और आपको लगता है कि मैं जो जानकारी देता हूँ वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मेरे द्वारा बनाए हुए प्रत्येक प्रश्न का या प्रत्येक वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँच सके। जय माता दी साथियों।